ये बेडरूम है, चारों ओर एसी है। ये है फिल्टर पानी जिसके अंदर कीड़े मकोड़े कभी कभार सांप भी गिर जाता है अंदर। हमें ये लगता है ना कि किसान की जिंदगी बड़ी आसान होगी, पर इतनी आसान नहीं है। और मैं भी एक किसान हूँ, और अभी मैं हूँ खेत में, और वो धूप के अंदर काम करना, फिर बारिश के अंदर, फिर ठंडी के अंदर, और ये कड़कड़ाती ठंडी के अंदर लोग जब घरों से नहीं निकलते, किसान अपने खेत में उस टाइम काम करते होते हैं। इस समय जो ये ग्वार की फसल है वो इसकी कटाई चल रही है, और मैं भी सोचा कुछ हेल्प कर दूं। ये है ग्वार का खड़ा बोलते हैं इसके, और यहाँ पे पूरा इकट्ठा के यहाँ से फिर ट्रैक्टर से निकालेंगे। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास खेतों में कोई भी फिल्टर बिसलरी पानी नहीं होता, बल्कि ये जो आप कुंड देख रहे हो, ये बारिश के टाइम इसी में चारों ओर से जो ये बनाया हुआ है, इसी में से इकट्ठा पानी होता है। और ये देखिए, ये है फिल्टर पानी जिसके अंदर कीड़े मकोड़े कभी कभार सांप भी गिर जाता है अंदर, तो वो सब भी इसी के अंदर है, और वो सब मिक्स होके बनता है फिल्टर पानी किसान के लिए। ये जो लकड़ी देख रहे हो, वो जानवर अंदर गिर जाए तो इस पे से चढ़ के निकल सकते हैं। ये है भाई किसानों के लिए फिल्टर पानी। फसल को बचाने के लिए रात रात भर जागना पड़ता है, क्योंकि नील गाय, हिरन, फिर गाय, इन सभी जानवरों से जो है इन फसल को बचाना पड़ता है, तब जाके ये फसल जो है तैयार होती है। अभी मैं आपको एक मेन चीज़ दिखाने वाला हूँ, हमारा एसी वाला बेडरूम जिसके अंदर बड़े ही आराम से हम सो जाते हैं। यह है बेडरूम, ये बेडरूम है, चारों ओर एसी है, और ये कुछ ज़रूरतमंद सामान यहाँ पे पड़े हैं। और ये देखिए भाई, ये है हमारा एसी रूम। किसानों के गैस चूल्हे तो आपने देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो आज देख लीजिए। ये है हमारा गैस चूल्हा, ये देखिए भाई। और ये है भाई देसी इंडियन फ्रूट, इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। एक चीज़ और बताऊं आपको कि जब हम लोग छोटे थे और जब भी हमें छुट्टियां होती थी तब हम लोग खेत में आते थे, और खेत से करीबन दो खेत छोड़कर ये सार्वजनिक प्रॉपर्टी है, और यहाँ से हम लोग पानी लेकर जाते थे। अभी इस जोड़ के अंदर काफ़ी पेड़ लग चुके हैं, लेकिन पहले ये सब खाली था, और ये जोड़ था कच्चा जोड़ जिसको बोलते हैं, उसके अंदर बारिश के अंदर पानी इकट्ठा रहता था, उसमें हम लोग नहाते थे। आजू बाजू वाले जितने भी जो बच्चे थे वो सभी इसी के अंदर आते थे, यहाँ पे हम लोग खेलते थे और नहाते थे, बड़ी मस्ती, पूरा पूरा दिन यहाँ पे निकल जाता था, लेकिन वो भी क्या दिन थे। और एक चीज़ और है, हमें जो है बिना मेंत वाला एक फल मिल जाता है, बिना मेंत की एक फल मिलता है, वो बोर, और
तो दर्शकों देखा आपने किसान की लाइफ। मिलता हूँ एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।